हेलो प्रणनिधि होम किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे सूजी आलू कचौरी। तो यहाँ पे मैंने 4 बॉईल किए हुए आलू ले लिया है और अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट, यहाँ पे 2 मैंने मिर्च डाली थी, और हरा धनिया और कुटी हुई धनिया, जीरा, हींग और चाट मसाला। तो अब सबसे पहले मैं आटा गूंथूंगी। तो यहाँ पे मैं 1 कटोरी भर के मैंने आटा लिया है, गेहूं का आटा जो अपन नॉर्मल घर में खाते हैं, और 1 कप सूजी। तो इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच घी, कुटी हुई लाल मिर्च, अजवाइन, नमक, नमक अपने टेस्ट के अनुसार ही डालना। तो साथ में ही मैं 1 चुटकी बेकिंग सोडा डाल रही हूँ और 1 चम्मच कसूरी मेथी। तो इसे हम क्या करेंगे, हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक डो तैयार कर लेंगे। तो पानी हमें थोड़ा थोड़ा ही डालना है, एकदम से नहीं डालना है। तो ये मैंने आटे का एक डो तैयार कर लिया है और इसको मैं ढक के रख दूंगी। और इधर मैंने पैन गरम होने के लिए रख दिया, इसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल। तो हमें छोटे चम्मच ही लेना है। और अब मैं डालूंगी इसमें जीरा, कड़ी पत्ता, और ये जो मैंने पेस्ट लिया था उसको डालूंगी। साथ में ये कुटी हुई धनिया है इसको डाल देंगे। और इसे हमें पका लेना है थोड़ा सा। तो जब तक ये पक रहा है, और मैंने यहाँ पे आलू को मैश कर लिया है हाथों से। अब मैं डालूंगी इसमें धनिया 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, इसे हमें थोड़ा सा पका लेना है। अब मैं आलू डाल दूंगी। तो ये मैंने आलू को मैश कर लिया था बीच में, इसे मिक्स कर लेंगे अब हम। और अब मैं डालूंगी नमक। तो इसमें मैं 1/2 चम्मच नमक डालूंगी। चाट मसाला, और साथ में मैं हींग भी डाल दूंगी। तो चाट मसाला मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच से कम ही लिया है, और हरा धनिया
अब हमें क्या करना है, इसे मिक्स कर देना है अच्छे से। तो ये आलू हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका और पक भी चुका, तो इसे हम क्या करेंगे, अब ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें आटे की एक गोल लोई बना लेना है और इसे पेड़े की शेप दे देना है। और इसी में मैं ये आलू वाला बैटर है वो भरूंगी और इसे हमें चारों तरफ से दबा देना है। तो ये तैयार हो गया, ऐसे ही सारे हम बना लेंगे कचौड़ी को। यहाँ पे मैंने आलू भर के सारी कचौड़ी का तैयार कर लिया है, देख पा रहे हैं इसका शेप बहुत ही अच्छा आया है। और इधर मैंने क्या किया, तेल गरम होने के लिए रख दिया है और तो ये अच्छे से गरम हो चुका है। इसमें मैं डालूंगी कचौरी। तो हमें क्या करना है, लो फ्लेम पे ही पकाना है वरना ये बाहर से तो पक जाएंगी अंदर से कच्ची रह जाएंगी, तो इसे हमें लो फ्लेम पे ही पकाना है। और ये एक तरफ से पक रही हैं, तो आप भी जब भी ऐसा बनाओगे ना, तो आप चाय हो या सुबह हो या शाम, कभी भी बना के इसे खा सकते हैं और चाय के साथ तो बहुत ही अच्छी लगेंगी। तो हम इसे दूसरी तरफ से भी पलट देते हैं। तो ये मैंने दोनों तरफ से पलट के अच्छे से पका लिया है, तो देख पा रहे हैं कितनी बढ़िया फूली फूली बनी है। तो इन्हें अब क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैं सारी प्लेट में निकाल लूंगी। तो ये रही हमारी खस्ता सी फूली फूली कचौड़ी, इसे आप सॉस या चाय के साथ भी खा सकते हैं। तो देख पा रहे कितनी अच्छी बनी है और एकदम सॉफ्ट, तो एक बार ज़रूर बना के देखना इसे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।